हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एकदम क्विक और टेस्टी यम्मी रेसिपी लेके आई हूँ आपके लोगों के लिए। आज मैं एक्चुअली बनाने जा रही हूँ मंचूरियन, जो कि वेज मंचूरियन है। और ये मिक्स वेज मंचूरियन के बजाय आज मैं बेबी कॉर्न मंचूरियन बनाने जा रही हूँ, बिकॉज मेरे पास जो वेजिटेबल्स की शॉर्टेज थी, तो जो घर में अवेलेबल था तो मैं उसी में बनाऊँगी एंड एकदम क्विक बनाऊँगी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी रेसिपी शेयर की जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे जो चीज़ें ली हैं, इंग्रेडिएंट लिए हैं, वो हैं बेबी कॉर्न्स एंड गार्लिक एंड अनियन। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको चॉप कर लेती हूँ, देन उसके बाद आगे की प्रोसेस करते हैं। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे चॉप कर लिए हैं, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है जितना मुझे चाहिए था जो साइज़। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कितना बड़ा साइज़ या छोटा साइज़ करना, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी मैं इसको क्या करूँगी, इसको क्रिस्पी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक बोल में कॉर्नफ्लोर, और अब मैं इसमें मिला दूँगी। और हम इसको करेंगे मैरिनेट अच्छे से। इसमें मैंने डाल दिया है, अच्छे से इसको मिलाएंगे कि सब में कॉर्नफ्लोर अच्छे से मिल जाए। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा, और एकदम लाइट रेड चिली पाउडर। और मैं यूज़ कर रही हूँ ब्लैक पेपर, बहुत लाइट। तो आपस में मिला दिया है, अब हम इसे डीप फ्राई करेंगे जिससे खूब क्रिस्पी हो जाए। और उसके बाद जब ये रेडी हो जाएगा, उसके बाद हम बनाएंगे ग्रेवी। ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, सब आपस में मिक्स हो गया है। यहाँ पे अगर आपको लगे कि वो आपस में मिक्स नहीं हो रहा है, तो मैंने 2-3 टेबलस्पून वाटर लिया था, जिसको मैंने डाल के इसको थोड़ा सा अच्छे से मैरिनेट कर लिया है। तो ये एकदम अच्छे से लग चुका है पूरा कॉर्नफ्लोर बेबी कॉर्न पे। सो आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसे डीप फ्राई करने के लिए ऑयल चढ़ाती हूँ। देखिए, मैं इसे यहाँ डीप फ्राई कर रही हूँ। इसमें दोस्तों ये बहुत ही अच्छा बनता है। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट है, इससे पहले भी मैं एक बार बना चुकी हूँ। ये बहुत ही टेस्टी होता है। अब मैं इसे यहाँ पे निकाल ले रही हूँ, और इसे मैं नैपकिन में लूँगी, जैसे इसका एक्सेस ऑयल जो है वो सब नैपकिन में सोख ले। देखिए, तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं क्विक बनाने जा रही हूँ, तो आज मैंने इसकी ग्रेवी के लिए लिया है चिंग्स का वेज मंचूरियन मसाला, जिसकी मदद से हम लोग बनाएंगे इसका ग्रेवी। सो स्टार्ट करते हैं, पैन चढ़ाते हैं और फ्लेम को ऑन कर देते हैं। और इसमें थोड़ा सा ऑयल डालते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक ऑयल गरम हो रहा है, तब तक हम लोग ये वेज मंचूरियन मसाला जो है चिंग्स का, उसे एक बोल में खाली कर लेते हैं, और उसमें मिलाएंगे वाटर
जैसा कि इस पैक पे लिखा है करने को। सो ये देखिए, मैं यहाँ हाफ़ लूँगी, बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा तो बनाना नहीं है, सिर्फ दो लोगों के लिए बनाना है, तो आई थिंक इतना काफ़ी है। इसमें डालते हैं वाटर। यस, और अब हम इसे स्पून से अच्छे से मिला देंगे। इसे एकदम अच्छे से मिलाना है, जैसे इसमें लम्स ना पड़े। तो ये देखिए, मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है मिक्सचर, और यहाँ मेरा ऑयल भी गर्म हो गया है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ गार्लिक। यहाँ मैंने गार्लिक डाल लिया है, गार्लिक को अच्छे से चला देंगे। वैसे तो इसमें काफ़ी वेजिटेबल्स डालते हैं जब हम वेज मंचूरियन बनाते हैं, बट वही है कि अगर आपके पास सब्जी ना हो तो आप क्या कर सकते हो, इसलिए मैंने ये क्विक रेसिपी बनाई है। और ट्रस्ट मी, ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है, आप खा के देखना, आप ट्राई करना, जब आप बनाओगे तो टेस्ट में ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता है। इवन आपको वेज मंचूरियन से या आपका बेबी कॉर्न मंचूरियन ज़्यादा अच्छा लगेगा टेस्ट में, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप ट्राई करके देखना, मे बी आपको भी अच्छा लगे। अब मेरे गार्लिक थोड़े से रेड हो गए हैं, तो अब मैं इसमें डाल लेती हूँ अनियंस। अनियंस को मैंने बड़े बड़े पीसेस काटे थे। इसको अच्छे से चला लेते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि चाइनीज़ जो भी डिशेस होते हैं उसमें गार्लिक बहुत यूज़ करते हैं वो लोग। वो आपका चाउमीन हो गया, मंचूरियन हो गया, सूप हो गया, एवरीथिंग गार्लिक वो ज़रूर डालते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैंने गार्लिक के बेनिफिट्स पढ़े एंड ट्रस्ट मी, काफ़ी अच्छे, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें पता नहीं होती हैं, हम उसके बारे में जब तक पढ़ते नहीं हमें नहीं पता होता है, बट हम यूज़ करते होते हैं। गार्लिक में बहुत सारे न्यूट्रिशियस होते हैं, ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है, और साथ ही इसका जो कैलोरी लेवल है वो बहुत ही लो है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरी नहीं होता है, और ये आपका ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करता है, तो काफ़ी, मतलब बहुत सारे इसके बेनिफिट्स हैं। मे बी इसीलिए वो लोग इतना ज़्यादा अपने फूड में चाइनीज़ यूज़ करते हैं। यहाँ पे अनियन भी स्टर फ्राई हो गया है, सो अब मैं मिक्सचर डाल रही हूँ। मोर वाटर। चेन्नई में तो गर्मी से बुरा हाल हो रखा है गाइज, आप लोगों का क्या हाल है गर्मी का? आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पे क्या हाल है गर्मी का, मुझे मैसेज करके ज़रूर बताना। और इस मौसम में हाइड्रेटेड रहना बहुत ज़रूरी है, तो एटलीस्ट 2 से 3 लीटर कहा जाता है कि हमें पानी पीना चाहिए, जो कि मैं खुद भी नहीं पी पाती हूँ, बट एक्चुअली हमें करना चाहिए। 2 से 3 लीटर वाटर हमारे इनटेक ज़रूर होना चाहिए डेली का। सो ये देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है।
सो ये तो अच्छे से हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं टैंगी फ्लेवर देने के लिए ऐड कर रही हूँ सॉस, टोमेटो केचप। देखिए आपस में एकदम से मिक्स हो गए। तो अब हम इसमें डालेंगे बेबी कॉर्न। तो अब हमने इसमें मिक्स कर लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा विनेगर डालूंगी, बहुत ज़रा सा, थोड़ा स्पून से, थोड़ा सा। थोड़ा सा सोया सॉस, वो भी बहुत ज़रा सा, बस। फ्लेवर लाने के लिए। सो बस ये रेडी हो गया हमारा बेबी कॉर्न और ये बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यम, मुझे मेरे हस्बैंड को तो ये बहुत पसंद है। एक्चुअली जो आप वेज मंचूरियन बनाते हो वो थोड़ा सॉफ्ट होता है, बट जब आप ये क्रिस्पी बेबी कॉर्न बनाते हो ना, इसको जब आप खाओ ना, क्या मज़ा लगता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना और बहुत ही ईजी है। वैसे तो ये ग्रेवी हम कॉर्न स्टार्च से बना भी सकते हैं, बट थोड़ा जल्दी बनाना था और टाइम भी कम था, तो मैंने आज यहाँ पे चिंग्स का वेज मंचूरियन मसाला यूज़ किया है और वो वैसे भी बनता है और मैंने वो वाला भी ट्राई किया है, वो भी अच्छा बनता है। बट हाँ, ये पैकेट की बात ही कुछ और है, तो थोड़ा ज़्यादा फ्लेवर आ जाता है, दैट्स इट। तो गाइस, मैं फ्लेम ऑफ़ कर देती हूँ क्योंकि रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। एंड प्लीज़ आप लोग देखते हो मेरी काम को, अगर चाहते हो कि और भी मैं इसे बढ़ाऊँ आगे और आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊँ, तो प्लीज़ गाइस थोड़ा सा मुझे भी तो मोटिवेट करने के लिए कुछ तो आप करो। एटलीस्ट बस एक सब्सक्राइब बटन दबा दिया करो, बेल आइकन को हिट कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स फैमिली से शेयर कर लिया करो। Please, 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 please. Okay, bye.